जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी आज हम अपने नहर वाले खेत के पास आए हैं। यहाँ ये पीछे हमारा जो नहर वाला खेत है, बाग वाला उसे बोला जाता है, इसमें आपने देखा था इसके पहले लाही लगी थी, पीली लाही सरसों, और उसे यहाँ पर बटोर कर रखा गया था और उसकी दौराही हो चुकी है। और इसमें मेंथा पेपरमिंट लगा था, आप देख सकते हैं ये वाला, ये है, और इसमें कल सिंचाई हुई थी। ये यूरिया है, करीब 20 से 25 किलो, 13-14 बिस्सा है, मतलब आधे एकड़, तो 20-25 किलो करीब यूरिया है। और इसमें ये जाइम है जो बाल्टी में आती है, और ये हमारे घर में मतलब दुकान में गिर गया था, तो उसे बटोर कर लाए हैं, इसे कोई ख़रीदेगा नहीं, तो इसे मिक्स करके इसमें बुआई करेंगे। और हम मेंथा के पौधे दिखाते हैं आपको, ये देखिए मेंथा के पौधे, पेपरमिंट के पौधे, जो लाही कटने के बाद, अब सिंचाई करने के बाद धीरे धीरे काफ़ी स्वस्थ रूप से और काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हैं। ये पूरा खेत मेंथा पेपरमिंट का, इसमें हमें इस यूरिया की बुआई करनी है। अभी ये दूसरा दिन है और सुबह सुबह के 7 बजे हैं, हम अपने ट्यूबवेल वाले खेत पर हैं। आज हम बांस गाड़कर और जो हमारा करेला और खीरा, नेनुआ, तरोई, सब्जियां जो हैं हमारी लता वाली जो सब्जियां हैं, उन्हें बांस गाड़कर चारों तरफ से और फिर उसके ऊपर रस्सी से पूरा बेड़ बनाएंगे और उसी पर मतलब लटक कर, वो उसका जो फल होगा वो लटक कर नीचे फलेगा। आपको दिखाते हैं कैसे हम आज करते हैं। ये बांस हैं कुछ 5-6, और एक 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पर गाड़ दिया था। जैसे ये वाला है, ये खीरा है, और इसमें ये वाली लौकी है, तो एक वहाँ पर लगा है और एक यहाँ पर बांस गाड़ेंगे, एक उस साइड में गाड़ेंगे, उधर भी सब्जियां हैं लता वाली, और एक उस साइड में गाड़ेंगे, वहाँ पर लौकी और शायद नेनुआ है, और इन सबको गाड़कर और फिर जो रस्सी होती है उससे पूरा फेंसिंग करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर एक जाल बनाएंगे, और उसके बाद उसमें फिर वो लटक कर उसका फल लगेगा। ये करेला और लौकी है, और इस साइड में भी लौकी है, नेपियर में छुपी हुई है। और जो हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था सूरजमुखी लगाया था, वो पूरी तरीके से उसका जमाव नहीं हुआ है। और ये देखिए फिर से इसमें बैंगन आ गए हैं, एक दिन 4-5 करीब आधा किलो बैंगन तोड़ कर लेकर गए थे, और फिर बैंगन के फल आ गए हैं। और भिंडी जो है वो, ये भिंडी इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, और जो टमाटर हैं वो तो माशाल्लाह बहुत निकल रहे हैं, डेली 1-2 किलो टमाटर लेकर जा रहे हैं घर पके हुए, और आस पड़ोस में भी बांट रहे हैं। इस साइड में मिर्चें, और ये है वो सूरजमुखी का पौधा। एक्चुअली हमने इस खेत में पूरा यहाँ तक सूरजमुखी लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों बीज की कमी थी या नमी खेत में कम था, तो वो ठीक ढंग से जमा नहीं। केवल यहाँ पर 3 पौधे और एक ये चौथा पौधा, बस इतना ही निकला है। और ये हमारा पीछे जो नेपियर है, ये खिलाने के लिए तो रेडी है, लेकिन अभी इसे लगाने के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे वीडियो देखने वाले व्यूअर्स
और मित्र लोग कुछ मांग रहे हैं, तो उन्हें आई थिंक अभी 10-12 दिन लग जाएंगे तैयार पूरी तरीके से रेडी होने में। तो अभी चारों बांस लग चुके हैं, दो इस साइड में हैं और दो उस साइड में पीछे की तरफ हैं, और अब इनमें ये रस्सी बांधेंगे, ये वाली रस्सी, और बढ़िया तरीके से बांधेंगे, पूरा झालर देंगे बढ़िया से, तभी इसमें बेहतरीन ढंग से फल लटक लटक कर फल फलेंगे। जो लौकी और करेला हैं वो देखने में भी अच्छा लगता है जब वो झालर में नीचे लटक कर फलता है, तो अभी इसे बांधते हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं और ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से चारों तरफ से बढ़िया से लगा दिया गया है। पहले 4 खम्भे हमने लगाए थे बांस के, और उसके बाद बीच बीच में एक एक और लगा दिए, और अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम बढ़िया से, और जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसे जब ये लताएँ, ये जो लताएं हैं लौकी की और नेनुआ करेला इन सब की जो लताएं हैं वो इस पर जब चढ़ेंगी तो फिर उसके बाद और जो बचा हुआ काम होगा वो करेंगे। ये देखिए ये सुबह हमने लगाया था और अभी ये चढ़ना शुरू भी हो गया है। ये जो हमने धनिया पीटी थी उसके जो डंठल थे उन्हें बीच बीच में लगा दिया है, जिससे आसानी से वो इसे पकड़कर और फिर इसके ऊपर चढ़ जाएं। और ये एक बीच में लगा दिया है सपोर्ट के लिए, और इससे चारों तरफ सपोर्ट बढ़िया बना रहेगा। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने अपने इस छोटे से क्रियाकलाप और जो हमारा उस साइड में दूर उस साइड में करीब 1 किलोमीटर हमारा जो मेंथा का खेत है वहाँ पर खाद बोने का वीडियो दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे कर लीजिएगा, वरना बस ऐसे ही स्वाद चेंज के लिए हमारी वीडियो देख लिया कीजिए। और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी के दोस्तों। अभी ये झालर बांधने के दौरान हमने टमाटर के पौधों में देखा कि बहुत ढेर सारे टमाटर पक गए हैं, तो उन्हें तोड़कर हम लेकर आए और इतने सारे टमाटर निकले हैं, ये पूरे 5 किलो टमाटर हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, पके हुए लाल लाल एकदम, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई दवा या कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया गया है, ना ही यूरिया फर्टिलाइज़र का कुछ उपयोग किया गया है, ये एकदम प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर हैं। और सब्जियां भी हमने जो और लगाई हैं वो भी पूरी ऑर्गेनिक हैं। तो अभी इसे लेकर चलते हैं घर और इसमें से थोड़ा बहुत खाएंगे और बाकी पड़ोस में बांट देंगे, और थोड़े टमाटर जो हम तोड़ नहीं पाए थे वो सड़ गए थे, तो उन्हें इस धनिए के खेत में इन नालियों में फेंक दिया है,
और अब यहीं पर ये सड़कर और खाद बन जाएंगे।